मरने के बाद महिला का चुराया गया गोल्ड विद्याविहार के राजावाड़ी अस्पताल के स्टाफ पर लगा आरोप। मैं वारीपति, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। विद्याविहार के राजावाड़ी अस्पताल का एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक महिला जो बीमार थी, जब उसका बेटा उसे ECG करने ले जाता है, जिसके बाद वहाँ पर उस महिला की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब डॉक्टर कहता है कि जो आपके पेशेंट के अंग बॉडी पर जो गहने थे वो निकाल लो, लेकिन जब उसकी माँ बेटा चेक करता है तो कुछ गहने जो थे, जो गोल्ड थे, मिसिंग हो जाता है, जिसकी कंप्लेंट जब उसका बेटा अस्पताल वालों को करता है तो अस्पताल वाले ये कहते हैं कि रिटर्न में कंप्लेंट दो पुलिस स्टेशन में जाकर। पुलिस स्टेशन में जब वो लड़का जाता है कंप्लेंट देने के लिए तो आनन फानन में वहाँ से एक कॉन्स्टेबल को भेज दिया जाता है, लेकिन जब कॉन्स्टेबल वहाँ पर जाता है तफ्तीश करने के लिए, कांस्टेबल कहता है CCTV दिखाओ, लेकिन CCTV दिखाने के लिए राजावाड़ी के जो लोग हैं वो सीधा सीधा साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद ये मामला काफ़ी वो हो जाता है। उसके बेटे ने क्या कहा हमसे, हम आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुने। नाम बताइए। मेरा नाम विजय मधुकर तेली है। विजय जी, किसको एडमिट किया था और कितने बजे? मेरी मम्मी, मेरा मम्मी का नाम प्रेमा मधुकर तेली है। वो संडे को बाथरूम में गिरी थी और हम लोग संडे को रात को उसको लेके गए थे हॉस्पिटल, तो उन्होंने प्रोसीजर किया था दवा खाने का जो भी है और घर पे भेज दिया। तो उसको पैर इतना दुखने लगा तो हम लोग वापस दूसरे दिन लेके आए और बुधवार को वापस उनका डॉक्टर को दिखा के ऑपरेशन बोले या प्लास्टर बोले, तो मैं बोला प्लास्टर कर दो, उम्र है, उम्र के हिसाब से कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो बोले बुधवार को आ जाओ, गुरुवार शुक्रवार को आ जाओ, शुक्रवार को हम लोग एडमिट कर लेंगे। तो शुक्रवार को आज सुबह लेके गए ना, OPD में लेके ही जा रहे थे, मैं पेपर कर ही रहा था, तो उनका सडनली उधर तबीयत बहुत ख़राब हो गया और वैसे ही OPD के डॉक्टर और हम लोग उठा के उनको ICU में लेके गए। ICU में उनको एडमिट किया, जैसे ही उनको एडमिट किया हॉस्पिटल में, उनको ट्रीटमेंट चालू किया डॉक्टर लोग ने, अभी वो 10-15-20 मिनट के बाद बोले हमको कि आपकी मम्मी डेथ हो गई है, आपकी मम्मी नहीं रही है। हम बोले ठीक है डॉक्टर, फिर 20 मिनट के बाद हमको बोले कि आपका मम्मी का जो भी है आप निकालो सोना बिना जो भी है। तो हम लोग सोना निकालने गए तो कान के कुड़ी नहीं थे उसमें, खाली नाक का कुड़ी था। तो हम लोग सिस्टर को पूछा कि कान के कुड़ी थे और वो कहाँ गए, तो सिस्टर बोलती हमको नहीं पता, हम लोग चेक करेंगे फिर बताएंगे। तो हमने बोला ऐसा नहीं मैम, हम लोग आएंगे तो हमारे CCTV में देख लो आप कि कान के कुड़ी थे मेरी मम्मी को, नाक के भी थे। तो उन लोग बोल रहे हैं हम लोग CCTV फुटेज चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, आप रजिस्टर कंप्लीट करो, हमारे पास रजिस्टर लिख के दो। आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन फिर भी उन लोग इतना लंबा प्रोसीजर कर रहे हैं, जाके वो 2 मिनट में CCTV फुटेज चेक करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जाँच कर सकते हैं, लेकिन उन लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोसीजर के हिसाब से उन लोग चल रहे हैं। मेरे को लेटर लिखने को बोला, मैं राजेवाड़ी को लेटर भी दिया मेरा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और आप इसकी जाँच करें। तो राजेवाड़ी ने मेरे को यहाँ पर बोला है कि आप लेटर दे दो और मैं उनकी जाँच करूँगा। वहीं पुलिस उधर से मेरे को तिलक नगर पुलिस स्टेशन को बोला, तिलक नगर पुलिस स्टेशन आने के बाद मेरे को बोले कि उनका एक कमांडो मेरे साथ आया राजेवाड़ी में, तो राजेवाड़ी में भी वो साहब बैठे थे, उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन का एक लेटर लेके आओ, उसके बाद हम तुमको CCTV फुटेज देंगे, और CCTV फुटेज हम ऐसे नहीं दे सकते, पुलिस स्टेशन का लेटर रहेगा और वो पुलिस अधिकारी रहेंगे तो ही आपको CCTV फुटेज मिलेगा। अच्छा, उसकी क्या कीमत होगी जो उन्होंने चोरी कर लिया है? आज के तारीख में देखो सर, सोना 72 के 75 के आसपास है, मेरे को भी इतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2 कुड़ी की कीमत फिर भी 1-1.5 लाख के करीब होगी। तो देखा आपने, उसके मृतक महिला के बेटे का ये आरोप था कि उनकी जो माँ के गोल्ड चुराए गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और रिटर्न में कंप्लेंट दर्ज की जाइए। अब देखना यह है कि मृतक महिला का गोल्ड आखिर किसने चुराया है। ऐसा और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।